हाई एवरीवेंस डोमिनेंस प्रॉपर्टी से आज हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हमारे पास ये वाला इस तरीके से है. इसको सॉल्व करेंगे इससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस वाले वीडियो में हमने देखा था पूरा डेफिनेशन डोमिनेंस प्रॉपर्टी का थ्यूरी के साथ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी डोमिनंस प्रॉपर्टी और गेम थ्यूरी से रिलेटेड आज हम लोग इसको सोल्व करेंगे ओके okay? सो so गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दे और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऑल राइट सो सबसे पहले हमारा जो गोल होता है किसी भी क्वेश्चन को देख के अगर आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया जाए ना कि यूज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस तो आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों को डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाना ही पड़ेगा लेकिन अगर ये ना दिया हो सिर्फ यहाँ से दिया है सॉल्व द फॉलोइंग गेम ऐसे तो सबसे पहला जो आप लोगों का स्ट्रैटी होगा किसी भी गेम प्रॉब्लम के पी ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने का वो होगा रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा निकालना मैक्सिमिन और मैक्स निकाल के सैडल पॉइंट को फाइंड आउट करना जो कि काफी इजी है हम लोगों ने देखा है हम लोग जो है रो से क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू को ले लेंगे ले और उस वाले वैल्यू से हमें मैक्सिमम चूज करेंगे सिमिलरली हर एक कॉलम से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे ले ले जैसे इस कॉलम से थ्री इससे फोर और इससे सिक्स इस तरीके से लेंगे और जो वैल्यू आएगा उस पर से मिनिमम वैल्यू लेंगे अगर इधर का वैल्यू जो आएगा जो मैक्सिमिन वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू होगा अगर वो इक्वल हो, हो गया तो इसका मतलब वहां उस वाले गेम को हमें सैडल पॉइंट मिल गया है और वैल्यू ऑफ द गेम हमें वहीं से पता चल जाएगा लेकिन अगर ऐसा ना हो अगर मैक्सिम वैल्यू और मैक्स वैल्यू इक्वल ना हो तो हम लोग डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कब करते हैं हैं कब जब हमारा गेम टू क्रॉस सॉरी एम क्रॉस एन का गेम हो टू क्रॉस एन या एम क्रॉस टू के गेम में हम लोग ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करते हैं अगर टू एम क्रॉस फाइव क्रॉस सिक्स सिक्स क्रॉस सेवन ऐसा कुछ गेम है तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी हमें लगाना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे इसमें यही निकालेंगे कि कौन सा रो कौन, कौन से दूसरे रो से डोमिनेट कर रहा है तो यहां पर उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सम निकालते हैं जैसे कि यहां पे है थ्री माइनस टू वन वन प्लस फोर फाइव इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे ये भी आएगा फोर सिक्स माइनस वन फाइव और इसको ऐड करेंगे सिक्स प्लस फोर यानी कि टेन ठीक है अब ये देखना है इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है सबसे मिनिमम है हमारा ये वाली वैल्यू अब देखेंगे इसको मैंने सिलेक्ट किया मतलब ये वाला रो को मैंने सिलेक्ट किया है अब इस वाले रो में जो है सिलेक्टेड रो जो है मिनिमम होना चाहिए ठीक है सिलेक्टेड रो मिनिमम होना चाहिए मतलब इस रो को पहले से कंपैरिजन करेंगे थ्री और वन में माइनस वन में से थ्री ग्रेटर है मतलब ये सिलेक्टेड रो मिनिमम नहीं है तो ये जो फर्स्ट रो है सेकंड से डोमिनेट नहीं कर रहा है ओके okay, सो so दूसरा वाला देखते हैं थ्री और टू ये भी जो है इसमें भी जो है टू लेसर है थ्री ग्रेटर है मतलब ये जो रो वन है ये रो थ्री से भी डोमिनेट नहीं कर रहा है ठीक है अब हम लोग दूसरा चूज करेंगे ये तो नहीं किया इस वाले को चूज करेंगे ठीक है इस वाले में देखते हैं सेकंड वाले में आप लोग इस तरीके से सम निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं आप लोग जो जो सा भी रो आप लोग को समझ में आप वो रो को चूज करके भी एक दूसरे रो से कंपेयर कर सकते हैं एलिमेंट्स को बट ये इस तरीके से लेना जो है एक ऑप्टिमल तरीका माना जाता है इसलिए मैंने लिया है सो वन ये जो सेकेंड रो सेलेक्ट है इसको इसे कंपेरिजन करेंगे थ्री और माइनस वन में ये लेसर है ओके okay, ये चल जाएगा फोर और माइनस टू में ये जो है ये ग्रेटर हो गया इसका मतलब ये वाला जो सेकंड रो है ये फर्स्ट रो से डोमिनेट नहीं कर रहा है हर एक एलिमेंट जो है हम लोग कंपेयर करेंगे और हरेक एलिमेंट जो सिलेक्टेड रोज के एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए तो ये तो नहीं हुआ फोर वाला तो इसका मतलब इसको भी छोड़ देंगे अब इसे कंपेयर करते हैं माइनस वन और टू में से ये माइनस वन है ओके okay. फोर और टू में से ये फोर जो है ग्रेटर हो गया ओके okay. तो ये वाला चीज भी नहीं हो सकता है अब नीचे आएंगे टेन के लिए टेन को सिलेक्ट करिए सबसे पहले ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं थ्री और टू में से जो है ये वाला जो है लेसर है सिलेक्टेड रो माइनस टू और टू में से क्या है ये जो रो है ये ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट रो है सॉरी थर्ड रो है फर्स्ट रो से डोमिनेट नहीं कर रहा है ओके okay, अब इसको थर्ड वाले को सेकेंड से देखते हैं सो माइनस वन और टू में से जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो है यहाँ पे माइनस वन टू हमारा ग्रेटर हो गया इसका मतलब कोई सा भी ऐसा रो नहीं है जो दूसरे वाले रो से डोमिनेट कर रहा हो तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाए ठीक है नहीं कर पाए कोई बात नहीं कॉलम के लिए देखते हैं सो हर एक कॉलम के लिए हम लोग सम निकाल लेंगे सो so यहाँ पे थ्री टू फाइव और ये फोर ये भी हो गया फोर और ये सिक्स टू ट्वेल्व ठीक है सब निकालिए सब निकालने के बाद सबसे मिनिमम है ये फोर इसको सिलेक्ट किए तो कॉलम हमने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है अब देखेंगे ये जो कॉलम जो सिलेक्टेड कॉलम है वो ग्रेटर होना चाहिए एनी अदर कॉलम के एलिमेंट से सारे एलिमेंट से ठीक है तो ये सिलेक्ट किया है थ्री और माइनस टू में से ये ग्रेटर है ओके okay, चल जाएगा माइनस वन और फोर में से ये ग्रेटर है ओके okay, तो ये नहीं चलेगा ये वाला जो सिलेक्टेड है वो ग्रेटर होना चाहिए सो माइनस वन और फोर जो है ये ग्रेटर हो गया इसको भी छोड़ देंगे वन और थ्री को कंपेयर करते हैं थ्री और फोर में से फोर ग्रेटर है तो ओके okay, ये वाला जो है किसी से भी डोमिनेट नहीं कर रहा नेक्स्ट चूज करेंगे ये वाले फोर को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट किए सेकंड कॉलम को पहले फर्स्ट से कंपेयर करते हैं थ्री और माइनस टू में से माइनस टू लेस हो गया कॉलम वाइज में हमें ग्रेटर देखना है तो ये वाला जो है इससे भी डोमिनेट नहीं कर रहा है इससे देखते हैं माइनस टू और फोर में से माइनस टू फिर से लेसर हो गया तो ये इससे भी डोमिनेट नहीं कर रहा है उसके बाद इसको चूज करते हैं ठीक है इस वाले में देखेंगे फोर और थ्री में से क्या है इसको थ्री को फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं थ्री और फोर में से फोर ग्रेटर है ओके okay. टू और माइनस वन में से भी जो है टू ग्रेटर है ओके okay. और नीचे जो थर्ड है टू और सिक्स में से भी जो है सिक्स ग्रेटर है तो इसका मतलब जो थर्ड कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम से डोमिनेट कर रहा है तो इस वाले कॉलम को डिलीट किया जा सकता है ओके okay. अब इसको डिलीट किया हमने तो यहां पर सेंटेंस लिख देते हैं सो so, यहाँ पे सेम संडेज मैंने लिखा है सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड कॉलम आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम थर्ड वाला फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाला जो है ग्रेटर है फर्स्ट वाले से देअर फोर कॉलम थ्री इज डोमिनेटेड बाई कॉलम वन सो वी कैन डिलीट कॉलम थ्री ये डोमिनेट कर रहा है इसको डिलीट कर दिए सो द रिड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स विल बी अब रिड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा होगा हमारे यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री सपोज मान लेते ये ए वन ए टू ए थ्री है ये बी वन बी टू बी थ्री है ठीक है तो ये ऊपर में क्या बचा बी वन और बी टू बचा हुआ है बी थ्री हमने डिलीट किया ठीक है तो यहाँ पे लिख देंगे थ्री माइनस टू जो बचे हुए हमारे वैल्यूज है वो लिख देंगे अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद वैसे हम लोग फिर से चेक करेंगे कि क्या अब ये एक पहले रो रिडक्शन में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हम फिर हम लोग कॉलम को चेक किए कॉलम में हमारा लकली एक कॉलम डिलीट हो गया अब फिर से क्या करेंगे फिर से रोग को देखेंगे ठीक है फिर से रोज को देखेंगे सम निकाल के भी कर सकते हैं यहां पर से जैसे हमने सम निकाल के किया था बट बिना सम के भी किया जा सकता है जैसे कि तीन ही हमारे पास यहां पे रोज है तो सम निकालने का जरूरत नहीं है ऐसे ही देखते हैं ठीक है फर्स्ट वाले रोज को पहले सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट वाला रो में क्या है लेस होना चाहिए ये सिलेक्ट किया तो सिलेक्टेड रो लेसर होना चाहिए सो थ्री और माइनस वन में से तो थ्री ग्रेटर है तो ये इससे डोमिनेट नहीं कर रहा है इसको इससे चेक करते हैं थ्री और टू में से भी थ्री ग्रेटर है तो ये इससे भी डोमिनेट नहीं कर रहा है ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं रो टू को सिलेक्ट करते हैं रो टू में माइनस वन और थ्री में से जो है ये तो लेसर है ओके okay. लेकिन फोर और माइनस टू में से ये जो है ग्रेटर हो गया तो ये वाला भी जो है इससे डोमिनेट नहीं किया ठीक है इफ टू को थ्री से चेक करते हैं माइनस वन और टू में से ये लेसर है ओके okay. लेकिन यहाँ पे जो है ये ग्रेटर हो गया फोर ग्रेटर देन टू हो गया मतलब ए टू जो है ए थ्री से भी डोमिनेट नहीं कर रहा अब ए थ्री को सिलेक्ट करते हैं अब क्या करेंगे टू थ्री और टू में से क्या है टू लेसर है ओके okay? ये वाला कंडीशन ठीक है उसके बाद यहाँ पे माइनस टू और टू में से क्या होगा ये वाला टू ग्रेटर हो गया माइनस टू से इसका मतलब ये इसे भी डोमिनेट नहीं कर रहा है मतलब अब इसके बाद हम लोग कोई भी रो को डिलीट नहीं कर सकते ओके okay? अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए जब हम लोग कोई रो को डिलीट नहीं कर सकते और कॉलम को तो वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कॉलम डिलीट अब नहीं हो सकता तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो गेम है ये है एम क्रॉस टू यानी कि टू क्रॉस थ्री सॉरी थ्री क्रॉस टू थ्री क्रॉस टू क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीन रोज हैं तो रोज को पहले लिखते हैं ये है थ्री क्रॉस टू का तीन हमारे पास रो है और दो कॉलम है तो ये जो है ये रो होता है और ये वाला वैल्यू कॉलम का होता है ठीक तो है तो यह है थ्री क्रॉस टू का गेम बन गया अब हम लोग जानते हैं थ्री क्रॉस टू के गेम को हम लोग इजिली ग्राफिकल मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं ठीक है टू क्रॉस टू रहता तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते ऑर्डिमेंट्स निकालते प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग उसको निकाला जा सकता था बट थ्री क्रॉस टू का गेम में हम लोगों को ग्राफिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा एक और तरीका है जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी दो रो का किसी भी किसी भी दो रो को सिलेक्ट करेंगे उसका एवरेज निकालेंगे और उसके बाद उसको थर्ड वाले रो से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे अगर वैसे में अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग उस वाले रो को डिलीट कर देंगे ठीक है लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ये काफी इजी थ्री क्रॉस टू का गेम है तो ग्राफिकल मेथड आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए ओके तो ग्राफ बनाते हैं सो ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है जैसे कि हमने पहले देखा था जीरो लिए हैं ऑरिजिन और, और एक्सिस वन और एक्सिस टू क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम है तो दोनों कॉलम के लिए एक एक एक्सिस ठीक है अब क्या करना है हमें यहाँ पर ये वाला जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको एक्सिस टू में पुट करना है इधर वाले को एक्सिस टू में और इस वाले को एक्सिस वन में पुट करना है ये वाले एक्सिस में ठीक है ये इस वाले को ये जो वैल्यू हमारा इस साइड में पुट होगा और ये जो वैल्यू हमारा इस साइड में पुट होगा तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे हम मुझे माइनस और प्लस दोनों वैल्यू दिख रहा था निगेटिव पॉजिटिव तो मैंने यहाँ पे ऑरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और ऑरिजिन से नीचे निगेट निगेटिव वैल्यू लिया है so, सो सबसे पहले थ्री माइनस वन और टू है सो इधर इस वाले में पुट करेंगे तो ये है थ्री ये है माइनस वन और ये है टू ठीक है सिमिलरली माइनस टू फोर और टू तो ये है माइनस टू ये है फोर और ये है टू ओके अब क्या करेंगे हम लोग मैच कराएंगे थ्री को माइनस टू से सो so, कौन सा वाला थ्री फर्स्ट वाले कॉलम का थ्री और सेकंड वाले कॉलम का माइनस टू सो थ्री और माइनस टू ये इस तरीके से ड्रॉ करते ही हम लोग साथ में लिख देंगे ये लाइन वन है लास्ट में लिखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे इसीलिए पहले ही लिख देते हैं उसके बाद माइनस वन और फोर सो so ये माइनस वन इधर है माइनस वन और फोर ऊपर है सो so, yeah. ये ये लाइन हो गया टू माइनस वन और फोर ठीक है अब टू टू सो टू टू ये है सिंपल इस तरीके से प्लस टू प्लस टू है तो दोनों को सर so, ड्रॉ कर देंगे और लाइन थर्ड हो जाएगा ये ओके okay? अब ये जो हमारा गेम है ये थ्री क्रॉस टू है थ्री क्रॉस टू यानी कि एम क्रॉस टू का गेम है कॉलम है हमारे पास दो दो कॉलम है तो इस इस टाइप के गेम पे हम लोग पता है हम लोग क्या करते हैं अपर इन्वेल्प निकालते हैं अगर हमारे पास यही सेम गेम टू क्रॉस थ्री का होता तो लोअर इन्वेल्प निकालते हैं मतलब अगर हमारे पास दो रो होते और n नंबर ऑफ कॉलम्स होते तो हम लोग वहां पे लोअर इन्वेल्प निकालते लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है तो कॉलम अगर है तो हम लोग अपर इन्वेलप निकालेंगे अपर इन्वेल्प निकालने का तरीका है कि हम लोग इस तरीके से जो अपर वाला जो रीजन है उसको देखते हैं तो अपर वाला रीजन मुझे ये वाला रीजन दिख रहा है सो ये रीजन है हमारा अपर इन्वेलप ये ठीक है यहां लिख देती हूँ अपर इन्वेलप इसके बाद हम लोग को अपर इन्वेल्प निकालने के बाद हम लोग पता है हम लोग को क्या निकालना पड़ता है अपर इन का मिनिमम वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है जो कि अपर इन में आया है ये वाला पॉइंट ये पॉइंट ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट ठीक है अब इनमें से सबसे जो है मिनिमम कौन सा है ये वाला पॉइंट जो है सबसे मिनिमम है तो ये होगा हमारा मिनी मैक्स मिनी मैक्स का मतलब मैक्सिमम का मतलब अपर जो है ये मैक्सिमम का मिनिमम पॉइंट यानी कि मिनी मैक्स इसको एच से डिनोट करते हैं ठीक है थीके? अब ये जो H है ये कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला जो लाइन है ये वाली लाइन यानी कि वन और ये वाली लाइन यानी कि थ्री वन और थ्री का इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये वन ए वन और ए थ्री रहेगा ए टू डिलीट हो जाएगा ठीक है सेम सेंटेंस मैं यहां लिख देती हूँ ओके सो मैंने यहां पे वही लिखा है सिंस द प्लेयर बी विशेज टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है तो इसीलिए अपर इनवेलप से हमने मिनिमम पॉइंट निकाला है

वन और थ्री को लिए टू को हटा दिए तो ये बना ए वन ए थ्री और बी वन बी टू ठीक है अब क्योंकि हमारे पास टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स मिल गया इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से ऑर्डमेंट्स निकालते हैं हमें पता है यहां पर इधर से भी ऑर्डमेंट्स निकालते हैं ठीक है थ्री और माइनस टू थ्री माइनस ऑफ माइनस टू क्या होगा फाइव सो so फाइव को यहीं नहीं यहां नहीं लिखेंगे बल्कि यहां नीचे लिख देंगे फाइव और टू माइनस टू और इधर से भी करेंगे टू माइनस टू वैसे इस वाले टू को इससे माइनस करते हैं तो टू माइनस टू जीरो ठीक है इस तरीके से यहां पे भी थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू होगा वन यहां नहीं लिखेंगे इसको यहां लिखेंगे और इस वाले को नीचे वाले टू को माइनस करेंगे टू माइनस ऑफ माइनस टू यानी कि फोर अब बात कर लेंगे प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा जीरो डिवाइडेड बाई जीरो प्लस फाइव यानी कि फाइव यानी कि ये होगा जीरो और फाइव डिवाइडेड बाई फाइव यानी कि वन ये हो आया हमारा पी वन और ये आया पी थ्री क्योंकि ये ए वन का है और ये ए थ्री का है तो ये पी थ्री आया सिमिलरली यहां पे भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्यू वाला प्रोबेबिलिटी सो so, ये है फोर फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस फाइव करेंगे यानी कि फोर प्लस वन यानी फाइव सिमिलरली यहां पे है वन सो वन लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव आ जाएगा ये जो वैल्यू आया है ये क्यू वन आया है और ये बी टू के लिए है तो ये आया है ये क्यू टू ठीक है ये हमारा स्ट्रैटर्जी निकल गया तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑप्टीमल स्ट्रैटर्जी फॉर प्लेयर ए एंड प्लेयर बी इज गिवन बाई एस ऑफ ए इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग इसको ए वन ए टू ए थ्री यहाँ पे हमारा ए वन और ए थ्री के लिए आया है जीरो और वन ए वन के लिए जीरो और ए थ्री के लिए वन ए टू का क्या आया है क्योंकि ए टू हम लोग का जो है रिड्यूस हो गया तो ए टू भी होगा हमारा यहाँ पर जीरो सिमिलरली स्ट्रेटजी ऑफ बी क्या होगा हमारा बी वन बी टू और बी थ्री यहां पर बी थ्री हो भी होगा क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था यहाँ यहाँ पे वन ए टू ए थ्री था और बी वन बी टू बी थ्री था तो इसी तरीके से स्ट्रैटेजी ऑफ बी 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 वन बी टू बी थ्री होगा हम लोगों को बी वन और बी टू इसका पता है बी वन के लिए फोर बाई फाइव और बी टू के लिए है वन बाई फाइव और बी थ्री के लिए है जीरो क्योंकि वो डिलीट हो गया था सो लिखना है इस तरीके से है अब लास्ट वैल्यू ऑफ द गेम वैल्यू ऑफ द गेम किस तरीके से निकालते हैं यहां पे देखेंगे ये जो हमारा मैट्रिक्स है पे ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डमेंट्स है इसको देखेंगे तो ये करेंगे थ्री इंटू जीरो थ्री इंटू जीरो प्लस माइनस टू इंटू जीरो सॉरी टू इंटू इसको इसको करते हैं ये कॉलम के लिए भी कर सकते हैं बट थ्री इंटू जीरो प्लस टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव करना है एंड इसके बाद जीरो प्लस फाइव नीचे ठीक है अब ये हो जाएगा ये जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाई फाइव यानी कि टू ठीक है वैल्यू ऑफ द गेम यहाँ पे आएगा हमारा टू सो क्या ये वाला क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था यहाँ पर सेम रूल अप्लाई किया लेकिन एक टाइम आया जहाँ पर हमारा अब कोई सा भी जो रो है वो दूसरे रो से डोमिनेट नहीं कर रहा था तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये थ्री क्रॉस टू का जो है गेम बन चुका है तो इसको हम लोगों ने क्या किया ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया

सिंपल फार्मूला से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लिया सो so गाइज आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग